राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे केतु ग्रह जब कुंडली के 11वें भाव में होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ केतु इन द 11th हाउस ऑफ योर होरोस्कोप। केतु को अगर समझे तो केतु भौतिक जीवन से अलगाव का कारक है, आइसोलेशन फ्रॉम मटीरियल वर्ल्ड। केतु आपके पिछले जीवन के अनुभवों के बारे में बताता है, पास्ट लाइफ एक्सपर्टीज। केतु कुंडली के जिस भी भाव में होता है उस भाव से संबंधित चीज़ों पर आपने पिछले जीवन में या पिछली जिंदगियों में बहुत ऊर्जा खर्च की हुई होती है, उनका अनुभव लिया हुआ होता है, ऐसा संकेत मिलता है। इसलिए इस जीवन में आप उन चीज़ों की परवाह नहीं करते, उन चीज़ों के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। केतु एकांत स्थान, ध्यान लगाना, मेडिटेशन, दार्शनिकता, मन की आँखों से सच की खोज करने वाला ग्रह है। ये सारी चीज़ें केतु के कारकत्व में आती हैं। केतु अध्यात्म का, मोक्ष का भी कारक है, योगी सन्यासी संतों को रिप्रेजेंट करता है। केतु दिशाहीन ग्रह है, केतु सिर्फ शरीर है, सिर नहीं है उसके पास, दिमाग नहीं है, देखने के लिए आँखें नहीं है, तो पूर्वाभास की शक्ति, मन की आँखों से देखना, जो साइकिक एबिलिटी होती है, इनको केतु रिप्रेजेंट करता है। दिशाहीन है केतु, इसलिए केतु सीमाओं को भी नहीं समझता, केतु के पास दिमाग नहीं है। 11वें भाव को अगर हम समझें तो 11वां भाव होता है आपकी धन संपदा का, वेल्थ पाने का मुख्य भाव होता है। ये इनकमिंग वेल्थ के बारे में बताता है, आपकी उम्मीदों और खुशियों के पूरा होने का भाव है। काम त्रिकोण जो होता है, तीसरा, सातवां और 11वां भाव, उसमें सबसे उच्च भाव है, हाईएस्ट हाउस ऑफ कामा त्रिकोण। इसलिए वेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से, धन संपदा के मामले में ये सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, लाभ का भाव है, आपकी आय के विभिन्न स्रोतों के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा समाज में आपकी जान पहचान, व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल का भी ये भाव है, ऐसा नेटवर्क सर्कल जिससे आप धन कमाते हैं। आपके बड़े भाई बहनों के बारे में भी जानकारी 11वें भाव से मिलती है। इसके अलावा जो बड़ी संस्थाएं हैं, लार्ज गैदरिंग्स, बिग गैदरिंग्स, लार्ज नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। केतु जब कुंडली के 11वें भाव में है तो ये संकेत मिलता है कि आपने पिछले जीवन में धन कमाने के साधनों पर, लोगों से जुड़ने में, नेटवर्क सर्कल बनाने में अपनी काफ़ी ऊर्जा और मेहनत को खर्च किया था, उनका आपने अनुभव लिया था। तो अब इस जीवन में आप इन चीज़ों पर अपना फोकस नहीं करेंगे, अलग अलग आय के साधनों पर आपका फोकस नहीं होगा, नेटवर्क सर्कल बनाने में आपका ध्यान नहीं होगा, इन चीज़ों से केतु आपको डिटैच कर देगा, इन चीज़ों के प्रति आपका लगाव और पैशन को केतु कम करेगा। आपके अंदर से आपको ऐसा अनुभव होगा कि पैसा जब चाहे आप बना लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और केतु अगर 11वें भाव में है तो ऐसा होता भी है, पैसा आपके पास आसानी से आ भी जाता है, लेकिन आप उसकी परवाह नहीं करते हैं, उन चीज़ों के प्रति लगाव हो, ऐसा केतु आपको नहीं करेगा। केतु उन चीज़ों से आपको डिटैच कर देगा, धन के लाभ व नेटवर्क सर्कल को से आप अलगाव महसूस करेंगे। केतु की जो ताकतवर ऊर्जा है वो आइसोलेशन जरूर देती है। इस जीवन में जो आपका लगाव है वो 5वें भाव की चीज़ों में होगा, केतु से ठीक विपरीत 180 डिग्री पर जहाँ पर राहु बैठा है, तो कला और रचनात्मकता, प्रेम संबंध, सिनेमा, स्टेज परफॉर्मेंस, पॉलिटिकल डिस्कशन, स्पोर्ट्स, इन चीज़ों में आपका लगाव होगा। जो फन फैक्टर है, एंटरटेनमेंट, इन चीज़ों में आपका लगाव होगा। जो पंचम भाव की चीज़ें हैं उनको आपने, उनसे संबंधित आपकी पिछले जीवन में बहुत अधूरी इच्छाएँ थी, राहु का पंचम भाव में होना ये संकेत देता है। दोस्तों, पंचम भाव की चीज़ों में लगाव के कारण ही आपके पास धन व नेटवर्क सर्कल आता है, लेकिन केतु अपनी दशा अंतरदशा में इनसे आपको अलगाव देगा, डिटैच करेगा। राहु केतु को एक्सीज इसी तरीके से काम करता है, यही कशमकश आपको देगा। 11वें भाव में अगर केतु है और केतु का डिस्पोजिटर, मतलब केतु जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी, अगर मजबूत स्थिति में है, बुध या गुरु के प्रभाव में है, तो आप नेटवर्क स्किल्स के माहिर होंगे, लोगों से जुड़ने में कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, प्रभावशाली लोगों से आपके लिंक होंगे। ऐसा केतु अचानक धन लाभ भी करवा सकता है, क्योंकि केतु अचानक होने वाली घटनाओं का कारक होता है, सडन गेन ऑफ वेल्थ ऐसा संभव है। बड़े भाई बहन की स्थिति भी आपकी अच्छी होगी, लेकिन वेल्थ व नेटवर्क सर्कल से अंदर से आप संतुष्टि महसूस नहीं करेंगे। इसके विपरीत यदि केतु कुंडली में अशुभ स्थिति में है, उसका जो राशि स्वामी है, डिस्पोजिटर, वो पीड़ित है, पाप ग्रहों के प्रभाव में है, तब निश्चित आय का साधन बनाने में आपको परेशानी होगी। रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम
ये आप नहीं बना पाएंगे, इसमें आपकी रुचि भी कम होगी, ये एंगल जो है डिस्टर्ब रहेगा, लोगों से जुड़ने में आपकी रुचि कम होगी, गलत लोगों के संपर्क में आप आ सकते हैं, लोग अगर आपके आसपास हों तो आप कंफर्टेबल असहज महसूस कर सकते हैं, फाइनेंस स्कैंडल्स मतलब धन के आपराधिक मामलों में आप फंस सकते हैं। 11वें भाव में अगर केतु है तो जो अपना नेटवर्क सर्कल है, मित्र मंडली है, वो बहुत ध्यान से चुननी चाहिए। बड़े भाई बहन के साथ संबंधों में भी ऐसा केतु असंतुष्टि देगा, डिटैचमेंट देगा। 11वें भाव में केतु की 5वीं दृष्टि तीसरे भाव पर जाती है। तीसरा भाव होता है आपकी संवाद क्षमता का, कम्युनिकेशन स्किल्स का, छोटे भाई बहन का, पड़ोसी का, साहस पराक्रम का, टीम वर्क का। तो छोटे भाई बहन और मित्रों से केतु डिटैच करेगा, लोग आपके आसपास हों ऐसा आपको पसंद नहीं होगा। कम्युनिकेशन में यानी कि आपकी जो स्पीकिंग है, स्पीच है, उसके अंदर दार्शनिकता और आलोचना ज़्यादा आएगी। साहस ऐसा केतु देगा क्योंकि केतु मंगल की तरह ही फल देता है। केतु की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी, जहाँ पर राहु बैठा है। तो जो आपकी क्रिएटिविटी है, कला है, एजुकेशन है, लर्निंग और फन फैक्टर है, उससे केतु डिटैच करेगा, लेकिन वो चीज़ें फिर भी आपको मिलेंगी क्योंकि वहाँ पर राहु बैठा हुआ है। केतु की जो 9वीं दृष्टि है वो 7वें भाव पर जाएगी, जो आपकी कानूनी साझेदारियों का होता है, विवाह का, जीवन साथी का, व्यावसायिक साझेदारियों का। जीवन साथी और व्यावसायिक साझेदारियों से आप डिटैचमेंट, अलगाव महसूस कर सकते हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर का ध्यान नहीं रखें और आपका पार्टनर भी एकांत को पसंद करने वाला हो सकता है। केतु का ये प्रभाव गलत लोगों से संगति भी आपकी करवा सकता है। दोस्तों 11वें भाव में केतु के होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।